हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया इट्स नाइस ग्रेट तो प्रेशर तो नहीं फील हो रहा है पढ़ाई का पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है देखिए बिल्कुल भी बर्डन लेके पढ़ाई ना करें है ना बिल्कुल फ्री माइंड से करें तभी आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा अगर कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत प्रेशर फील हो रहा है तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए जो भी आपकी हॉबी है मान लीजिए म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए किसे बात करना अच्छा लगता है तो बात कर लीजिए ठीक है पर अपने को फ्री माइंड से पढ़ाई करनी है ताकि हम लोग को चीज़ें याद हो सके ठीक है बच्चों ग्रेट सो so again स्वागत है आपका इस क्लास में और आज हम जो पढ़ने वाले हैं एज आपको पता ही है जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जीव जगत का वर्गीकरण एंड दिस इज़ लेक्चर सेवन दैट वी आर डूइंग नाउ तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है प्रोटोजोआस के बारे में और फिर हम फंजाय किंगडम स्टार्ट करेंगे आज ठीक है पर उससे पहले एज़ यूजल जैसे हम रिवाइज़ करते हैं वैसे ही हम पहले रिविजन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगेन काफ़ी लोगों ने आंसर्स दिए क्वेश्चंस के वो हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन था पर वेरी गुड बेटा आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहे ठीक है ग्रेट सो लेट्स रिवाइज तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले पढ़ा था अबाउट क्रिसोफाइट्स है ना क्रिसोफाइज के बारे में हमने पढ़ा था जो किंगडम प्रोटेस्टा का ही एक पार्ट हमने देखा था एक अगेन एक, एक डिवीजन है क्रिसोफाइट्स में आपके आते हैं डायटम्स एंड मैंने आपको बताया था कि डेस्मिट्स को अपन गोल्डन एलगी या सुनहरे शैवाल भी बोलते हैं ठीक है क्रिसोफाइट्स में मेन चीज याद रखने वाली क्या है इनकी कोशिका भित्ति की संरचना जो कि कैसी है साबुनदानी जैसी याद है आप लोगों को मेन चीज ये याद रखने की है इसके अंदर इसकी कोशिका भित्ति की संरचना साबुनदानी जैसी है और किसकी मात्रा ज्यादा होती है इसके अंदर जल्दी बताइए जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है कोशिका भित्ति में जिसकी वजह से इसके अवशेष रह जाते हैं और समुद्र के तल पर जमा हो जाते हैं यस वेरी गुड ग्रेट इट्स सिलिका है ना वैसे तो ये बनी हुई सलूलोस की ही होती है पर इसके अंदर सिलिका जो है वो बहुत हाई अमाउंट में मिलती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको सिलिका देखने को मिलती है इसमें और इसी वजह से इसके अवशेष रह जाते हैं समुद्र की तल पर और अब इसको बोलते हैं डाईटमी मृदा या फिर किसलगर ठीक है याद रखना है आपको ये चीज़ ठीक है उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसकी सेल वॉल की जो संरचना है इसको अपन फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं ठीक है ठीके? इसकी सेल वॉल को हम फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं उसके बाद हमने क्या क्या देखा था इसके अंदर वैक्यूल होगा न्यूक्लियस होगा और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी है इसमें कुछ वर्णक होंगे कौन कौन से वर्णक होते हैं क्रिसोफाइट्स में जल्दी याद कीजिए क्या बताया था मैंने कौन कौन से वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए सी ठीक है और तेंथोफिल होता है ठीक है ये इसके अंदर वर्णक प्रेजेंट होते हैं चलिए बताइए इसका स्टोर्ड फूड क्या है संचित भोजन क्या होता है इसका किस फॉर्म में संचित करता है चलिए बताइए किस फॉर्म में संचित करता है भोजन को ये है ग्लूकोसीन एंड ऑयल ठीक है और इसी की वजह से बिकॉज ऑयल इसके अंदर स्टोर्ड है ये हल्का रहता है और ये लहरों की मस्ती में इधर उधर इधर उधर फ्लोट करता रहता है ना तो ये एक्टिवली ये चल नहीं रहा है पर निष्क्रिय रूप से ये लहरों के साथ इधर उधर जाता रहता है ठीक है हाँ यह अपन ने डाआटम्स के बारे में पढ़ा था और ये मेनली समुद्र के मेन उत्पादक यही हैं मेन प्रोड्यूसर्स यही हैं बिकॉज इनका नंबर बहुत ज़्यादा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत हाई है ठीक है ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रिसोफाइट्स के बारे में बेटा याद रखनी है और एक फिर हमने देखे थे यूज ऑफ किसलगर, किसलगर जो डाइटोमिश अर्थ जो बन रहा है या डाईटमी मृदा जो है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं ठीक है याद है ये भी इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट है साउंड प्रूफिंग ठीक है सेकंड है स्टोन पॉलिशिंग थर्ड है स्टीम बॉयलर्स में ये यूज होते हैं क्यों क्योंकि ये हीट इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं ताप रोधी की तरह एक्ट करते हैं ठीक है और चौथा है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स देखिए तीन तो एस से शुरू हो रहे हैं ठीक है और एक एफ से है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स तो ये इसके यूजेस यूज ऑफ किसलगर ठीक है तो ये चीज़ अपन ने क्रिसोफाइट्स के बारे में पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट है हमें याद रखनी है फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूगलिनोइड्स के बारे में इसमें आता है यूगलेना यूग्लिनोफाइटा भी इसको अपन बोलते हैं अब यूगलिनॉइड्स जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है यूग्लिनॉइड्स आपको आ, किस तरीके का पोषण शो करते हैं चलिए आप मुझे बताइए ऑटोट्रॉफिक है दैट इज स्वयं पोषी है या विषम पोषी है यस yes. यूग्लेना जो है वो मिश्र है ये आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो गया मिश्र पोषी है मिक्सोट्रॉफिक है ये आपको स्वयं पोषी टाइप का भी है अगर लाइट प्रेजेंट हो तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और अगर लाइट नहीं है सनलाइट नहीं मिल रही है इसको तो ये विषम पोषी की तरह भी एक्ट कर सकता है इस वजह से अपन इसको मिश्र पोषी बोलते हैं ठीक है याद है ये चीज़ ग्रेट उसके बाद अपन ने देखा था इसको इसी वजह से कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स के भी लक्षण हो गए एनिमल्स के भी लक्षण हो गए ठीक है उसके बाद हमने युगलेना की संरचना देखी थी तो संरचना में अपन ने क्या देखा था कि इसके आगे की भाग में एक गुहा होती है मैंने आपको बताया था कैविटी होती है जिसको अपन आशय या फिर क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रेजॉयर या फिर आशय जिसके बेस से आधार से दो फ्लैजला निकलते हैं एक बड़ा और एक छोटा तो जो छोटा है वो कुछ काम का नहीं है जो बड़ा होता है वही मूवमेंट में हेल्प करता है तो दो फ्लैजला इसके अंदर होते है तभी तो नाम है डाई सॉरी तभी तो हम इसको यूग्लेनोइड्स में भी अच्छा हाँ तो हमने दो फ्लैजला दो में देखे एक डायनो फ्लैजुलेट्स में देखा एक यूग्लेनोइड्स में देखा डायनो फ्लैजलेट में दोनों ही हेल्प कर रहे हैं यूग्लेनोइड्स में एक ही हेल्प कर रहा है मूवमेंट ठीक है उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इसके अंदर एक होती है संकुचनशील रिक्तिका ठीक है दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल याद है आप लोगों को फिर अपन ने देखा था कि क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी है तो इसके अंदर भी कुछ वर्णक होंगे और ये वर्णक प्रेजेंट होते हैं लवक के अंदर ठीक है तो इसमें कौन कौन से वर्णक हैं क्लोरोफिल ए है बी है और एक है, फंसिक। ए है बी है और जिया इसके जो वर्णक है ना वो बहुत ज्यादा उच्च पादपों से मिलते जुलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जो इसके वर्णक हैं, वो उच्च पादपों से मिलते जुलते हैं ये संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है ये इसके रेगुलेशन दैट इज परासरण नियमन में हेल्प करती है ठीक yeah? है मैंने आपको बताया था कैसे करती है हेल्प ये yeah, हमारे को ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हेल्प करती है ठीक है बेटा यस डन ओके नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो हो गई ठीक है यू है तो न्यूक्लियस है अब इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है बेटा स्टोर्ड फूड क्या होता है बताइए याद है क्या स्टोट फूट देखने को हमें मिलता है वेरी गुड ये है पैराम प्लस फैट और एक और चीज में आपको बताना भूल गई कि बाहर जो आउटर कवरिंग है इसकी ये प्रोटीन की बनी हुई है और इसको अपन बोलते हैं पैलेक्ल ठीक है प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है बाहर जिसको अपन बोलेंगे पेलेकल तो ये सब अपन ने यूगलेना के बारे में पढ़ा था उसके अलावा अपन ने क्या देखा यूगलेना में कि इसमें आ, अच्छा चलिए बताइए कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अलैंगिक जनन का क्या मेथड है इसके अंदर आपको याद है अपने मैंने आपको डायनोफ्लाइजरे और यूग्रिनोइड्स किस तरीके से अलैंगिक जनन करते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू दो में डिवाइड हो जाते हैं और इसमें जो बाइनरी फिशन आपको मिलेगा वो है डोंगीट्यूडनल बाइनरी फिशन ऐसे लंबाई में ये दो में डिवाइड होता है longitudinal बाइनरी फिशन आपको देखने को इसमें मिलता है उसके बाद लैंगिक जनन होता है क्या इनके अंदर इनमें नहीं होता है ठीक है समझ में आया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है ये अपन ने पढ़ा था अबाउट यू ठीक है उसके बाद अपन आए थे एक और चीज पे और वो था अवपंख कवक That is, ठीक है तो अफप कवक या फिर स्लाईमो जो होते हैं बहुत ही स्लाइमी मांस है चिपचिपे मांस की तरह होते हैं है ना इसी वजह से इनको ये नाम दिया ये फॉल्स फंजाई भी इनको बोलते हैं फॉल्स फंजाए ठीक है ट्रू फंगस नहीं है फॉल्स है और फंगस की तरह इसमें क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं एक तो इनका पोषण पंगस की तरह हो, होता है क्योंकि ये मृतोपजीवी होते हैं ठीक है और दूसरा जो इनमें अलैंगिक जनन है वो किसके तरह से मिलते हैं आपको बीजाणु निर्माण के द्वारा ये भी जो अलैंगिक जनन है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है ये भी फंगस से मैच करता है इनका इसीलिए इनको फंजाई जैसा बोला जाता है ठीक है इनका नाम है स्लाइम मोल्स स्लाइम मोल्स में मेनली आपको जो याद रखना है वो है अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन बीजाणु निर्माण द्वारा हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया तो एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं बीजाणु धानी दैट इज फोरेंजिया जिसके अंदर बीजाणु जो है वो डेवलप होते हैं जब ये फट जाती है तो ये बीजाणु बाहर आ जाते हैं ठीक है वायु के द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है स्कैटरिंग होती है और फिर जहाँ इनको अच्छी सी कंडीशंस मिलती है वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं ठीक है ठीके? ये तो अलैंगिक जनन हो लैंगिक जनन के आधार पर मैंने आपको बोला था कि स्लाइम मोल्स दो फॉर्म्स में मिलते हैं बताइए क्या क्या थे जल्दी से यस yes? लैंगिक जनन के आधार पर ये दो तरीके के आपको मिलेंगे एक है अकोशिकीय और दूसरा क्या है कोशिकीय ठीक है तो ए सेल्यूलर और सेल्यूलर ए सेल्यूलर होता है द्विगुणित और सेलुलर होता है अगुणित ठीक है याद है सबको तो अकोशिकीय में क्या होता है कि बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर एक आपको एक ऐसी संरचना बना लेती है जो भित्ति रहित है ठीक है भित्ति रहित है और बहु केंद्र की ये पित्त रहित बहु केंद्र की ये संरचना ये बना लेते हैं क्या बोलते हैं पर इस संरचना को यस yes, क्या बोलते हैं संरचना को को हम बोलते हैं यम ठीक है बेटा वेयर एज यहां पे भी आपको बहुत सारे सेल्स एक साथ है पर डिफरेंस क्या है कि ये सब अलग-अलग है ठीक है बहु केंद्र की रचना नहीं है ये सब अलग अलग आपको मिलेंगे और इसको अपन बोलते हैं सीडो ठीक है अब क्योंकि ये द्विगुड़ित है तो इसमें आपको कैसी लाइफ साइकिल मिलेगी बेटा ए या फिर द्विगुणित लाइफ साइकिल आपको मिलेगी ये अगुणित है तो इसमें आपको मिलेगी एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया इतना अपने अफपंक के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है इतना हमें याद रखना है तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अब आज हम आगे पढ़ेंगे और अब हमारा लास्ट एक फाइलम बचा है प्रोटेस्टा का और वो है प्रोटोज़ोआ ठीक है अब जो प्रोटोज़ोआ है वो मेनली किसके जैसे है जंतुओं की तरह एनिमल्स की तरह ज्यादा है उनसे ज़्यादा मैच करते क्योंकि ये जनरली परपोषी होते ठीक है विषम पोषी हैं खुद का खाना ये नहीं बनाते हैं ठीक है थीके? और ये दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए तो या तो ये परभक्षी हो सकते ठीक है पकड़ के खा जाते हैं या फिर ये परजीवी हो सकते ठीक है पैरासाइट्स हो सकते हैं उनके ऊपर या उनके अंदर रहते हैं और उनसे उनका न्यूट्रिशन लेते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के फॉर्म में हो सकते हैं ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है एनिमल्स के, ठीक है अब इन जंतुओं का शारीरिक संगठन जो है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है मतलब जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी बॉडी है बेसिकली क्या है क्या है इनकी बॉडी में एक सेल ही तो है यूनिसेलर है ना एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स है तो एक सिंगल सेल ही इनकी बॉडी बनाता है ठीक है तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो शारीरिक संगठन है जो okay? तो आपको दिख रहा है शारीरिक संगठन तो किस लेवल का है प्रोटो प्लाज्मिक जीव द्रव्य स्तर का है जीव द्रव्य स्तर का है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है मतलब कि इसमें एक सिंगल सेल होता है जो ही सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है है ना सिंगल जो सेल है उसी के अंदर सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं ठीक है वही उसकी बॉडी है वही खुद पूरा एक जीव है ठीक है इसलिए इसमें अपन क्या बोलते हैं इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो जीव द्रव्य स्तर की होती है समझ में आया बेटा अब इनके अंदर न्यूक्लियस कई बार क्या होता है एक से अधिक हो सकता है जनरली ये सीलिएट्स क्लास इनकी एक होती है उनमें पाया जाता है सीलिएट्स मतलब जिनमें पक्षमाभ होते हैं सीलिया होते हैं ठीक है थीके? उनके अंदर ये पाया जाता है एक से ज्यादा दो न्यू एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं और न्यूक्लियस जो है द्विरूपता शो करते हैं केंद्र की द्विरूपता देखने को मिलती है दैट इज न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म देखने को मिलता है, है। केंद्रीय द्विरूपता मतलब न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म इसका क्या मतलब हुआ ठीक है केंद्रीय द्विरूपता या न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म मतलब दो तो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे एक होगा न्यूक्लियस जो बड़ा होगा एक होगा न्यूक्लियस जो छोटा होगा साइज में ठीक है जो बड़ा होगा साइज में उसको अपन क्या बोलेंगे ठीक आइडिया जो न्यूक्लियस बड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे मैक्रो है ना मैक्रो बड़ा ठीक है जो छोटा उसका उसको अपन बोलेंगे माइक्रोक्स ऑब्वियसली है ना ठीक है माइक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस तब इनके काम भी अलग अलग है मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है ये उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है ठीक है तो इसका काम बेसिकली क्या है जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर जो भी उपापचयी क्रियाएँ हो रही हैं उनको कंट्रोल करना ये मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस का काम है माइक्रो न्यूक्लियस का क्या काम है फिर माइक्रो न्यूक्लियस का काम है जनन में मदद करना के सारा आनुवांशिक मटेरियल भी आपको माइक्रो न्यूक्लियस में ही मिलेगा जेनेटिक मटेरियल भी माइक्रो न्यूक्लियस में तो जनन में ये मदद करता है बेसिकली ठीक है तो माइक्रो न्यूक्लियस क्रियाओं में और ये जो है माइक्रो uh, न्यूक्लियस जनन में मदद करता है ठीक है दो दो तरीके के आपको न्यूक्लियस मिलते हैं इसी को अपन न्यूक्लियर डायमोरफिजम हैं तो इन जंतुओं में केंद्रों की केंद्रकों की संख्या एक से अनेक तक होती है कुछ केंद्र के द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं जैसे कि पैरामीशियम पैरामीशियम भी एक सीलिएट का ही एग्जाम्पल है इसमें भी आपको पक्षमाप पाए जाते हैं ठीक है तो ये आ, ये केंद्र की द्विरोपता शो करता है दैट इज न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म शो कर समझ में आया आप सबको यस yes? ग्रेट तो अब हम आगे चलते हैं अब गमन के लिए इनके पास अलग अलग अंग हो सकते हैं ठीक है अलग अलग जो प्रोटोजोआ है उनके पास अलग अलग अंग हो सकते हैं मूवमेंट के लिए गमन के लिए ठीक है जैसे किसी किसी में होते हैं अंगोली अंगुलीनुमा अंगुली नुमा कूटपात अंगुली नुमा मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये लोग बना लेते हैं वो जनरली हमें अमीबा में देखने को मिलता है मान लीजिए ये अमीबा है ठीक है और इसके पास ये खाना है ठीक है इसको ये खाने को अंदर लेना है ठीक है तो ये क्या करेगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना ऐसे कुछ करके ऐसे से रेगुलर शेप होती है तो ये फिंगर लाइक -like ऐसे प्रोजेक्शंस बना लेता है जिसके थ्रू ये खाने को अंदर लेता है ठीक है तो अंगुली नुमा उठपाद इज स्यूडोपोडिया हम इसको बोलते हैं स्यूडो मतलब फॉल्स स्यूडो मतलब हमेशा क्या होता है फॉल्स है ना तो इस सच्ची के इसके पैर नहीं है नकली है है न? नकली है बेसिकली मतलब होते नहीं है बस जब इसको चीजों को अंदर लेना होता है या बाहर छोड़ना होता है तब ये ऐसे अंगुली नुमा कूटपात बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं स्यूडोपोरिया ये आपको मिलेगा अमीबा में एंटमीबा में ठीक है तो ये तो हो गए आपके स्यूडोपोरिया फिर होते है चाबुकनुमा कशाब किसी किसी में हंटर जैसे फ्लैजिला हो सकते हैं है ना जैसे अपना हो गया ईश्मानिया है ना या ट्रिपेनोजोमा उनके अंदर ऐसे हंटर जैसे लंबे फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए ये ट्रिपेनोजोमा होगा बेटा ठीक है तो ये जो होता है ट्रिपेनोजोमा इसमें आपको ऐसा हंटर जैसा फ्लैजिला मिलेगा फिर होते हैं केशनुमा पक्षमाप केशनुमा मतलब हेयर लाइक जैसे आपको मिलेगा ये पैरामीशियम में मान लीजिए ये पैरामीशियम है ऐसे आपको के चारों तरफ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे केशनुमा स्ट्रक्चर्स है पक्षमाप जिसको अपन बोलते हैं तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम और एक होते है स्पोरोजुअन जो है वो जनरली परजीवी होते हैं ठीक है ठीके? और इनमें कोई भी गमनांग नहीं होता है अनुपस्थित होता है इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है ठीक है तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो गमनांग है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं किसी में कूटपाद हो सकता है किसी में कशाब हो सकता है किसी में पक्षमाब होता है और किसी में ही नहीं, नहीं है इसी बेसिस पर हम इनको चार क्लासेस में भी डिवाइड करते हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे ठीक है उससे पहले हम इनका पोषण पढ़ लेते हैं दैट इज़ न्यूट्रिशन तो पोषण की जैसे अपन ने पहले मैंने आपको बात का कहा था कि परपोषी होते हैं है, है ना तो परपोषी है तो या तो ये प्राणिसम ठीक है पोषण शो कर सकते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था क्या होता है किसी को पता है क्या दे किसी को होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है यस yes, सब पहले आप खाना अंदर लेते हो पाचन बॉडी के अंदर होता है दैट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन तो ये पाया जा सकता है जैसे कि एग्जांपल है अमीबा में ना पैरामीशियम में इन सब में आपको यही तरीके का भोजन मिलेगा और एक कुछ होते है परजीवी. ना वो हो गए ठीक है ये किसी जीवित जीव से अपना न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं ठीक है तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनमें पोषण देखने को मिल सकता है अब जो ये होलोजो एक न्यूट्रिशन है जो प्राणी सब न्यूट्रिशन जब ये अंदर खाना लेता है तो इसमें डाइजेशन किस तरीके का है पाचन किस तरीके का पाया जाता है इनके अंदर अंत कोशिकीय, दैट इज इंट्रासेल्यूलर ठीक है तो कैसा इनके अंदर पाचन मिलेगा अंत कोशिकीय दैट इज इंट्रा सेल्यूलर क्योंकि एक सिंगल ही तो है ना ये ठीक है तो जैसे ये अमीबा है इसने खाने को अंदर लिया कहां पे होता है बताइए खाने का डाइजेशन खाने का डाइजेशन होता है इसलिए तो इसका न्यूक्लियस हो गया और कलर से बनाते हैं अपन ये अमीबा ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है खाद्य रिक्तिका दैट इज आपने पढ़ा होगा ना जब ये खाना अंदर लेता है तो किसके अंदर लेता है फूड वैक्यूल में जहां पे फिर एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं हो, और फिर वहां पे उसका पाचन होता है ठीक है खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर ही हो रहा है इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इंट्रा या फिर अंत कोशिकीय फिर आप बताइए अपने अंदर कैसा डाइजेशन है इंट्रा है या एक्स्ट्रा है yes? Yes, very good. हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा है दट इज बाह कोशिकीय है इंफॉर्मेशन okay? के लिए आपको मैं बता रही हूँ ह्यूमन बींग्स में या और कोई भी जो एनिमल्स हैं लायन टाइगर डॉग जो भी है ठीक है उनके अंदर आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहे कोशिकीय या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उसका क्या मतलब होता है हम लोगों के अंदर क्या है एक आहार नाल है एलिमेंट्री कैनल है उसकी कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है हर सेल में पाचन नहीं होता है है ना आप खाना खाते हो पीसो में स्टमक में है ना आपने पढ़ा है फूड पाइप में पेट में जाता है आंतों में जाता है यहाँ पे डाइजेशन होता है ठीक है उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाता है इसका पाचन हो जाता है फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके हर सेल में पहुंचते हैं ठीक है तो हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो सेल्स में नहीं हो रहा है बल्कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है आहार नाल है उसकी कैविटी में हो रहा है इसीलिए इस डाइजेशन को हम बोलते हैं बाह्य कोशिकीय है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर वज इनके अंदर जो डाइजेशन आपको मिल रहा है वो है अंतः कोशिकीय ल्युलर डाइजेशन समझ में आया सबको Great. अब हम आते हैं श्वसन ठीक है Respiration and excretion पे। श्वसन और जो उत्सर्जन है इनका वो इनके सेल के सरफेस से ही हो जाता है क्योंकि वही इनकी बॉडी है तो सेल के सरफेस से ही यहीं से ही ना जैसे ऑक्सीजन अंदर गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई तो अकॉर्डिंगली ठीक है गैस का एक्सचेंज सेल के सरफेस से ही ऐसे ही जो वेस्ट है वो सेल के सरफेस से ही बाहर आ जाता है ठीक है तो सरफेस से ही हो जाता है बाय डिफ्यूजन ना विसरण से ये जो भी आना जाना है चीज़ों का वो चलता रहता है सेल के सरफेस से ही तो जो श्वसन एवं उत्सर्जन है वो इसके आप बोल सकते हो बॉडी सरफेस क्योंकि इसकी बॉडी भी सिंगल सेल ही है ठीक है या फिर सेलुलर सरफेस से ही हो जाता ठीक है अब दूसरी बात इसमें क्या है अच्छा आपको पता है इनका जो मेन नाइट्रोजेनस अपशिष्ट अप्ष, पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है बताइए मेन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया ठीक है मेन नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ इनका अमोनिया होता है जो अगेन वही सेल सरफेस के थ्रू ही बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है तो ये याद रखना है आपको अमोनिया जो है ये इनका मेन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है ठीक है उसके अलावा इनके अंदर भी आपको संकुचनशील धानी या फिर रिक्तिका दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यू मिलती है मेनली जो फ्रेश वाटर अमीबा वगैरह होते हैं ठीक है उनके अंदर आपको ये मिलेगी जो तो कि परासरण नियमन में हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर ठीक है तो ये चीज़ें आपको रेस्परेशन एक्सक्रीशन में इसमें याद रखना है कि बॉडी सर्फेस के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है वेस्ट को बाहर दे दिया जाता है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है अमोनिया है और इसके अंदर एक संकुचनशील रिक्तिका भी हो सकती है जो कि परासरण नियमन दैट इज ऑसमो रेगुलेशन में हेल्प कर ठीक है तो ये मेन मेन चीज़ें हो गई अब इनमें हम जनन की अगर बात करें तो जनन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है इनके अंदर ठीक है जैसे अलैंगिक जनन जो है वो मेनली बाइनरी फिशन ठीक है दैट इज दुई विखंडन के थ्रू होता है तो सिंपल बाइनरी फिशन हो जाता है अमीबा में अमीबा में कोई से भी प्लेन में बेसिकली uh, ये डिवाइड कर सकता है दो में के हॉरिजोंटली भी वर्टिकली भी कैसे भी कर सकता है ठीक है वेर एज अनुप्रस्थ दी विखंडन अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स ठीक है तो जो पैरामीशियम है उसमें आपको ट्रांसवर्स बाइनरी देखने को गा ट्रांसफर्स मतलब मान लीजिए ये पैरामीशियम है यू डिवाइड होता है ना ट्रांसफर्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है अनुप्रस्थ अनुप्रस्त दुई विखंड जो है Yeah, उसमें आपको लॉन्गिट्यूड देखने को मिलता है लंबा द्विविखंडन इज ट्रिपेनोजोमा में कॉगिट्यूडनल बाइनरी फिशन ठीक है ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल ओके पैरामीशियम में ट्रिपैनोसोमा में लंबा कॉगिट्यूडनल दैट इज अनुदैर्ध्य विखंडन देखने को मिलता है द्विविकंडन सॉरी फिर मल्टीपल फिशन मल्टीपल फिशन आपको देखने को मिलेगा प्लास्मोडियम मल्टीपल फिशन होता है बाइनरी फिशन मतलब दो में डिवाइड होना मल्टीपल फिशन मतलब एक ही जो पेरेंट सेल है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए उसको अपन मल्टीपल फिशन बोलते हैं यह आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिल सकता है लैंगिक जनन होता है सलयन या फिर सिंगेमी के थ्रू ये भी आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिल सकता है और स दैट इज कंजुगेशन के थ्रू इन पैरामीशियम ठीक है तो सिंगेमी आपको प्लाज्मोडियम में सलयन और संयुगमन या फिर कंजुगेशन आपको पैरामेशियम में दे ठीक है समझ में आया तो ये था जनन के बारे में इनमें यस नेक्स्ट हम आते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि गमनांग के आधार पर ठीक है बेसिकली गमनांग गमनांग के आधार पर जो प्रोटोजोआ है वो अपन ने चार क्लासेस में डिवाइड किया है अब क्या क्या है वो मेस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा ठीक है मेस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा, यस दूसरा है सार्कोडीना या राइजोपोडा, ठीक है स्पोरोजोआ और सीलिएटा ठीक है फ्लैजिलेटा मतलब इनमें क्या होंगे कशाबी काए होंगी, हाँ, कशाबी ये तर, ठीक है, फिर राइजोपोडा सार या राइजोपोडा में क्या होंगे, जो तो पोटिया होगा, पाद होगा, ठीक है, इनमें फ्लैजिला है, लेटेस्ट कशाबी काए होंगी, ठीक है, फ्लैजिला बेसिक फिर स्पोरोजोआ में होते ही नहीं है गमनांग अनुपस्थित है सीलिएटा में हमने देखा था सीलिया होता है जिसको अपन बोलते हैं ठीक है? तो ये अलग अलग आपको इनमें गमनांग देखने को मिलता हैं, और इसी बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है चार क्लास में मेस्टिगोफोरा या फ्लैजुलेटा, सार्कोडीना या राइजोपोडा स्पोरोजोआ और सीलिएटा ठीक है स्पोरोजोआ, ठीक है और राइजोपोरा या फिर सार्कोडी ओके नाउ अब इनके मेनली क्या याद रखना है आपको एग्जाम्पल्स है ना पूछा जाता है एग्जाम exam में एग्जाम्पल्स के बारे में तो फर्स्ट हम देखते हैं मेस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा के एग्जाम्पल एक है प्रोटेरोपोंजिया प्रोटेरो स्पॉन्जिया नाम से आपको पता चलेगा कि एक कनेक्टिंग लिंक है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है ये कनेक्टिंग लिंक है योजन कड़ी है किसके बीच में प्रोटो Proto, यानी प्रोटोजोआ स्पॉन्जिया मतलब पॉरीफेरा पॉरीफेरा में सारे स्पॉन्जेस आते हैं ठीक है तो ये प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच में एक योजक कड़ी है तो टैरो है वो योजक कड़ी है इसके बीच में प्रोटोजोआ एंड के पी समझ में आया आपको ये है प्रोटेरोस्पिया के बारे में गॉट इट अब है ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस एक डिजीज कॉज करता है किसी को नाम पता है यस yes? ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस एक डिजीज कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग

तो इसका वेक्टर क्या होता है गैम्बियंस का यस yes. यहाँ लिख देती हूँ ये ज्यादा सही रहेगा या तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में ताकि आप इसको डाउन कर सकें ठीक है फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्रोटेरो अपन किसकी बात कर रहे हैं फ्लैजिले की तो सबसे पहला ओके प्रोटोजोआ एंड और पड़ी है ठीक है प्रोटेरोस्पॉन्जिया फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मैं आपको दूसरा बता रही थी ट्रिपेनोजोमा गैम्बियस ट्रिपेनोजोमा जो है वो एक डिजीज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस उसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे ठीक है और इसको फैलाने वाला जो वेक्टर है इसका वेक्टर कौन है कौन फैलाता है इसको वेक्टर पता है ना आपको वेक्टर कौन होते हैं वो भी पॉजिटिव एजेंट जो भी पैथोजन को इधर से उधर ले जाता है है ना दैट इज यहाँ पे कौन कॉज कर रहा है ट्रिपेनोजोमा ट्रिपेनोजोमा को एक से दूसरे में जो भी चीज ले जा रही है वो वेक्टर हो गया है ना तो वेक्टर मतलब कौन है इसका वेक्टर वेक्टर होता है इसका सेट्सी फ्लाई ठीक इसका वेक्टर है और इसका साइंटिफिक नेम है इस फ्लाई का है लॉसिना ठीक है जो ट्रिपेनोजोमा है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है वेक्टर है सेट्सी इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पल पैलेस फिर एक और इसका एग्जाम्पल है और वो है ईष्मानिया ईष्मानिया डीनोवानी कौन सी डिजीज कॉज करता है जल्दी बताओ यस वेरी गुड ये कॉज करता है काला अजार। तो अपन डम फीवर भी बोलते हैं ब्लैक फीवर भी बोलेंगे ठीक है ये इसको कॉज करता है अब इसका वेक्टर क्या है सैंड फ्लाई बॉटमस इसका साइंटिफिक नेम है सैंडफ्लाई का ठीक है तो वेक्टर है इसका सैंडफ्लाई आपको इतना इतना तो याद रखना ही है कि वेक्टर क्या है साइंटिफिक नेम ठीक है अगर आपको याद रहे तो अच्छा है ठीक है तो बेसिकली ये तीन और एक और एग्जाम्पल है जी आर डी एना जो कॉज करता है जीआरडीएसिस ठीक है जीआरडी आना इंटेस्टिन ये जीआरडीएसिस कॉज करता है ये जो है आपकी इंटेस्टाइन में जाके बेसिकली ये वहाँ पैरासिटिक है ठीक है और परजीवी की तरह रहता है और ये क्या कर सकता है ये आपको लूशन एक्सेट्रा कॉज कर सकता है, है ना डिसेंट्री टाइप ठीक है तो बेसिकली डायरिया आप बोल सकते हैं तो बेसिकली आपको ये चार एग्जाम्पल याद रखने हैं फ्लैजुलेटा के एक है जो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा में कनेक्टिंग लिंक है सेकेंड है ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस जो कि अफ्रीकन सिकनेस कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है इसका वेक्टर है सेक्सी फ्लाई फिर है लिशमानिया डिनोवानी जो कि काला आजार कॉज करता है ठीक है इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई और चौथा है जी आर जो जी कॉज ठीक है यहाँ पे अपन एक और लिख सकते हैं ओके देन वी हैव सार्कोडीना या राइजोपोड़ा जिसमें हमने देखा था कि स्यूडोपोरिया होता है इसमें आते हैं सारे एमीबॉइज दैट इज अमीबा ठीक है तो अमीबा आ जाता है एक एंट अमीबा जिंजी इसमें आता है ठीक है एक तो आ गया अमीबा जो सिंपल अमीबा अपन जानते हैं है ना लिविंग जो है अमीबा ठीक है दूसरा आ गया एंट अमीबा जिंजीवैलिस जिंजीवलिस नाम से आपको पता चल रहा है ये आपके मसूड़ों में है ना हमारे दांतों में मसूड़ों को मसूड़ों में डिजीज कॉज करते हैं और जो पायरिया रोग है ना पायरिया पता है आपको क्या होता है पायरिया होता है आपके मसूड़ों में से खून आने लगता है है ना फूल जाते हैं ये पायरिया रोग होता है ये पायरिया रोग को बढ़ाते हैं एंटमीबा जिंजीवेलिस ठीक है और एक और इसका एग्जाम्पल है हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंट हिस्टोलाइटिका क्या करता है बताइए किसी को आइडिया आप कॉज करता है एमीबाइसिस वो अपन एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं ठीक है एमीबाइसिस या एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इसमें अगेन बहुत ज्यादा लूज मोशन होते

कॉज करता है मलेरिया और इसका वेक्टर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्या होता है इसका वेक्टर यस इस, इसका वेक्टर है किबेर एनोफ्लीस मॉस्किटो है ये इसका वेक्टर है फिर नेक्स्ट आता है सीलिएटा जिसमें पक्षमाब होते हैं सीलिया होते हैं इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम ठीक है अब पैरामीशियम को हम स्लिपर जंतुक भी बोलते हैं That is, slipper animal, क्यों भी बोला जाता है पैरामीशियम को पैरामीशियम की थोड़ी संरचना अपन देखते हैं क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है बाकी सब का तो सिंपल है ठीक है तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे देख लिया फ्लैजिलेटा में प्रोटोस्टो प्रोटो प्रोटेरोस्पॉन्जिया ट्रिपेनोजोमा जी और लिशमानिया ठीक है फिर हमने सार्कोडीना या फिर राइजोपोड़ा में अमीबा देखा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका देखा एंटामीबा जंजवेलस देखा स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम और सीलिएटा में आ गए हमारे पैरामीशियम ठीक है एक अपन थोड़ा सा पैरामीशियम का मैं बोल रही थी आपको स्ट्रक्चर के बारे में तो इसको स्लिपर एनिमल क्यों बोल क्यों बोलते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा चप्पल जैसा मैच करता है इसकी जो संरचना है इसलिए स्लिपर एनिमल क्यू या फिर स्लिपर जंतु किसको अपन बोलते हैं ठीक है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा चारों तरफ आपको सीरिया देखने को मिलेगी ये जो है वो क्या है सीलिया फिर इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको ये तो हो गई सीलिया जो आउटर कवरिंग है इसको अपन बोलते हैं पेलिकल इसमें भी पेलिकल अपन ने यूग्रेना में भी पढ़ा था यहाँ पे भी पेलीकल है पेलिकल यहाँ पे क्या करती है ये जो सेल uh, मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट देती है ठीक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको तो सहारा देती थोड़ी सी ये स्टिफ होती है ठीक है थोड़ी सी आ, आप बोल सकते हो हार्ड होती है जिस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को सहारा देती है पहले कल इसका आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई तो ये आपको क्या दिख रहा है ये इसका जो होता है आ, बेसिकली गलेट या फिर ग्रसिका पर इसको बोलेंगे एक गुहा जैसी आपको दिख रही है जो इसका ग्रसिका होता है गलट बोलेंगे और इसके एंड पे यहाँ पे वैसे तो इनमें माउथ वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि है पर फिर भी एक जहां से ये फूड अंदर एंटर करता है इसको अपन बोलते हैं साइटोस्टोम स्टोम इसको अपन बोलते हैं साइटोस्टोम उसके अलावा अपन ने देखा था कि इसमें मिलती है आपको न्यूक्लियर डायमोरफिजम है ना तो हमें क्या देखने को मिलता है इसके अंदर न्यूक्लियर डायमोरफिज मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और एक छोटा न्यूक्लियस ठीक है बड़े न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था पहले भी और छोटे न्यूक्लियस को हम बोलेंगे माइक्रो ठीक है मैक्रो न्यूक्लियस किसमें हेल्प करेगा उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करने में माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो जनन में मदद करता है ठीक है फिर इनके अंदर भी आपको मिलेगी संकुचनशील रिक्त कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, अगेन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपको इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम मिलेगा ठीक है तो ये कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है ठीक है तो सबसे पहले बाहर सीरिया पैली आउटर कवरिंग है इसमें फिर आपको मिले माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस रस्सिका या फिर गलेट है ये जहाँ से खाना अंदर जाता है और ये जो एंट्रेंस है जहाँ से अंदर ले रहा है वो उसको अपन बोलते हैं साइटो ठीक तो है, एस, है, है तो ये सीरिया जो है ऐसे 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 ये मूवमेंट होता है मान लीजिए खाना यहाँ है तो ये मूव करते करते इसके पास से मूव करते करते इसके थ्रू अंदर एंटर कर ठीक है तो ये है पैरामीशियम जो तो आपको याद रखना है ठीक है नाउ वी हैव अ क्वेश्चन सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोनों से किस प्रकार भिन्न हैं अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न है सीलिएट्स ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाब का प्रयोग करते हैं यूज करते हैं इसमें अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है ठीक है ये गमन के लिए कश्याा का प्रयोग करते हैं इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं देखिए पादाब का प्रयोग करते हैं ये तो गलत हो गया ठीक है अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है हा होती है पर वो और में भी होती है जैसे अमीबा में भी होती है ना तो ये डिफरेंट नहीं है इसके ये गमन के लिए कश्याा का, का प्रयोग करते हैं नो इनमें सीलिया होती है इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है पर आंसर नहीं है है ना तो आपका आंसर क्या होगा दो प्रकार के केंद्रक होते हैं वो बिल्कुल सही है और वो और किसी में नहीं है ये इस बात में भिन्न है दूसरे प्रोटोजोन से ठीक है तो दो केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं ये इसका आंसर नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है किंगडम फंजाई ठीक है आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फंगस के बारे में तो फंजाई मेनली मिलती का है हमें पहले ये बात करते हैं कि कहाँ मिलती है फंगस आपको पता है हर जगह उग जाती है है ना हर जगह हमारी चीजों को खराब करती रहती है जहाँ भी थोड़ी गर्मी थोड़ी आर्द्रता है ना थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ नमी हुई वहाँ पे फंगस ग्रो करने लग जाती है कई बार अचार पे खाने की चीजों पर है ना लेदर पे किसी पे भी ये ग्रो करने लग जाती है उसको खराब कर देती ठीक है।, है तो फंगस आपको मेनली गर्म और आर्द्रता वाली जगहों पर आपको देखने को मिलती है अब जो किंगडम फंजाई है उसमें बहु कोशिकीय जीवों को रखा गया अभी तक अपन ने जो पढ़ा था किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा ठीक है उन दोनों में ही एक कोशिकीय जीव रखे गए थे अब फंजाई से अब बहु कोशिकीय जीवों के किंगडम शुरू हो है ना तो इनमें भी बहु कोशिकीय जीव है पर इसमें एक कोशिकीय जीव भी है कौन सा है बताइए कौन सा एक कोशिकीय जीव आपको देखने को मिलता है किंगडम फंजाए में यस yes, वैसे तो ये बहु कोशिकीय है पर एक है जो कि एक कोशिकीय यूनिसेलर फंजाए आपको देखने को मिलती है कौन सी है ईस्ट yeah, तो ये एक कोशिकीय फंजाए है जिसको किंगडम फंजाई में रखा हुआ है क्यों रखा हुआ है एक कोशिक एक अवक है ये क्यों तो रखा हुआ है इसको इसलिए रखा हुआ है इसको इसके अंदर बिकॉज ये जो फंगस किंगडम है वो बेसिकली जब हम इसको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ये लैंगिक जनन के आधार पर किया जाता है इनका भी अगर, अगर अपन देखें लैंगिक जनन तो इनकी जो लैंगिक जनन की अवस्था है वो बहुत ज़्यादा एस्कोमाइसिटीज क्लास से मिलती है जो किंगडम फंजा है ना देखेंगे कि ये ग्रुप्स में डिवाइडेड है एस्कोमा तो एक ये जो ग्रुप है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इनकी लैंगिक जनन की अवस्था इस वजह से ईस्ट को हमने कवकों में रखा गया है तो इनमें सारे ट्रू फंजाए आते हैं फॉल्स फंजाए किसमें आ रहे थे अवपंख याद है आपको तो स्लाइम मोल्स में बेसिकली ठीक है तो उनके अंदर आपके सारे अफपंग फफून जो थी उसके अंदर सारे किंगडम फंजाया सारे फॉल्स फनजाए आ रहे थे इनके अंदर सारे ट्रू फंगस आती है बहु कोशिकी होती है पर ये एक कोशिकी है ईस्ट क्योंकि इसका जो लैंगिक जनन है वो एस्कोमाइसिटीज के जैसा है उसकी जो तो अवस्था है उसके जैसी है ठीक है इस वजह से हम इसको इसमें रखते हैं किंगडम फनजाय को हम माइकोटा भी किंगडम माइकोटा ठीक है नेक्स्ट अब इनका बेसिकली ये जनरली कैसे होते हैं परपोषी होते हैं ना खुद का खाना तो ये बनाते नहीं है दूसरे जीवों से ही लेते हैं तो या तो ये मृतोपजीवी हो सकते हैं ठीक है मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं अपना पोषण लेते हैं या फिर ये परजीवी या और पैरासिटिक हो सकते हैं मतलब जीवित जो दूसरे जीव है उनसे अपना पोषण लेते हैं तो उनके ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं उनका पोषण लेते हैं तो पैरासिटिक है अगर ये परजीविया पैरासिटिक है तो इनमें उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है नाम पता है जिसको अपन बोलते हैं हॉस्या चूषकांग देखने को ठीक है हॉस्टोरिया जिसको अपन बोलते हैं ये क्या हेल्प करते हैं ऐसे उंगली नुमा ऐसे संरचना है जो कि जो पोषण है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है अवशोषित करने में हेल्प करती है दूसरे जीव से ठीक है तो उंगली नुमा संरचना इनमें पाई जाती है जिसको अपन हॉस्टोरिया या चूषकांग होते हैं जो भी परजीवी होते हैं उनके अंदर ठीक है और ये सहजीविता में भी आपको मिल सकते हैं सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं ठीक है सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल आपको पता है जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में एक आद तो आपको पता होगा यस yes, सिम्बायोटिक या सहजीवी का एग्जाम्पल वन है लाइकिन लाइकिन होता है इसका एग्जाम्पल जो कि शैवाल और कवक के बीच सहजीविता है है ना शैवाल और कवक के बीच लाइकिन है माइकोरेजा माइकोरिजा जो कि जो उच्च पादप है आयर प्लांट्स है की जड़ों में ये कवक रहते हैं ठीक उच्च पादप की जड़ों और कवक के बीच में जो सहजीविता है उसका एग्जाम्पल है माइकोरिजा ठीक तो इस सहजीवी के फॉर्म में भी डाइकेंस के फॉर्म में ठीक है या फिर माइकोरिन या आपको याद रखना है तो ये तीन तरीके के हो सकते हैं मृतोपजीवी परजीवी या सहजीवी पर परजीवी या पर पैरासिटिक पर है, है तो इनमें हॉस्टोरिया देखने को मिलता है चूषकांग और अगर ये सिम्बायोटिक है तो आपको ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं लाइकिन और माइकोरिन व्हाट इट एवरीवन यस ग्रेट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं संरचना हम इनकी देखते हैं ठीक है अब इनकी संरचना में आपको क्या देखने को मिलता है पतले धागे नुमा इनकी संरचना होती है पतले पतले धागे नुमा आपको देखने को मिलेंगे ठीक है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको अपन बोलते हैं हाईफी कवक तंतु तो ऐसे पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको अपन बोलते हैं इनकी संरचना ऐसी होती है अपन हाइफी या फिर कवक तंतु बोलते हैं और जब बहुत सारे हाइफी एक साथ ऐसे जाल बना लेते हैं ठीक है थीके? तो इसको अपन बोलते हैं कवक जाल इंग्लिश में हम इसको आई सी एम ठीक है बेटा तो सिंगल तो है हाइफी सिंगल yeah, तो है हाइफी कवक तंतु और जब ये बहुत सारे एक, सा, एक साथ मिलके एक जाल जैसा बना लेते हैं उसको अपन बोलते हैं माइसी या फिर कवक जाल ठीक है अब ये जो इनका स्ट्रक्चर है ये जो इनकी हाइफी है बेसिक कवक तंतु है ये दो तरीके के हो सकते हैं ठीक है कई बार क्या होता है जो इनका कवक तंतु है ऐसे ही हो सकते हैं ठीक है पटीय होते हैं मतलब उनमें पट नहीं है बीच बीच में वॉल्स नहीं है और बहु केंद्र की संरचना ठीक है तो इनका कोशिका द्रव्य जो होता है वो बहु केंद्र की अपटीय है, है इनके बीच में पट नहीं है तो इनको अपन बोलते हैं संकोशिकी कवक ये फंजाई है संकोशी की कवक है ठीक है और ये कैसी है दैट इज सेप्टा मतलब कोई पार्टीशन नहीं है बीच में है कोई भी वॉल आपको बीच में नहीं दिखा नहीं दिखाई दे रही एक कंटिन्यूस एक सतत आपको कोशिका द्रव्य इसमें दिखाई दे रहा है जो कि बहु केंद्र की ठीक है तो एक तो इस फॉर्म में ये हो सकती है फंजाय या फिर ये हो सकती है जिसके अंदर पट हो ठीक है तो अंदर पट होंगे ठीक है और ये बहु कोशिकीय नहीं है ठीक है तो ये पटीय है दैट इज सेप्टेट है शाखित भी है ब्रांचेस भी आपको दिख दिख्टेट एंड ब्रांचोज ठीक है थीके? तो दो तरीके के कवक तंतु आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं एक होता है जिसके अंदर बीच में कोई भी पट नहीं है तो जो कोशिका द्रव्य है वो बहु केंद्र की हो जाता है इसको अपन बोलते हैं संकोशिकी सीनोसिटिक, ठीक है, <coughs> ठीक है? Whereas, एक हो सकता है जिसमें बीच बीच में पट है यानी पटीय है या फिर हम इसको बोलेंगे सेप्टेड ठीक है तो कुछ कवक तंतु सत नलिकाकार होते हैं जिन में बहु केंद्र की ए, कोशिका द्रव्य भरा रहता है ठीक है इन्हें संकोशिकी कवक तंत्रोसिटिक ठीक है संकोशिकी कवक नेक्स्ट और दूसरा होता है एसेप्टेट सॉरी एक हो गया एसेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट आपको बताया अब कवक की कोशिका भित्ति आपको पता है किसकी बनी हुई होती है काइटिन की तो जनरली जो कवक जी की जो कोशिका भित्ती है वो काइटिन की बनी हुई होती है काइटिन uh, uh, तथा पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है पर आपको एक एक्सेप्शन इसमें याद रखना है और एक्सेप्शन कौन सा है यस yes, इसका एक्सेप्शन है ओमाइसिटीज ये पूछा गया है पिछले सालों में ओमाइसिटीज जो होती है इसके ग्रुप की जो फंजाई होती है इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज सेल्यूलोज की बनी होती है याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है क्या इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, है? है कि वैसे तो जनरली जो फंगस है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है पर ओमाइसिटीज ग्रुप की जो फंगस हैं ठीक है ठीके? उनकी जो सेल वॉल है सेल्यूलोस की बनी हुई है याद रखना है आपको ठीक है yes? यस मैं यहाँ पे अलग से एक पॉइंट लिख देती हूँ इसके लिए चिका भित्ती सेल्यूलोज बनी होती है ठीक है ओ माइसिटी याद रखिएगा बेटा ठीक है भोजन का संचय ग्लाइकोजन व ऑयल के रूप में ठीक है अभी तक हृदय स्टार्च पाया जा रहा था पर अब जो है भोजन का संचय ये कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में ठीक है तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी संरचना अपन ने देख ली ठीक है अपन ने देखा इसके अंदर आ, की आ, बेसिकली इसकी जो सेल वॉल है कोशिका भित्ती है वो एक्चुअली तो काइटन की है जनरली काइटन की है पर एक फंगस है जिसके अंदर आपको ये सेलुलोज की ठीक है ये हम याद रखें ठीक है so यहाँ तक फंगस जो है अपन पढ़ने वाले हैं, ये जनरल जनरल चीजें हैं जो हमने फंजाई के बारे में पढ़ी है आज ठीक है अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाकी जो मेन चीज हमें पढ़नी है फंगस में वो है उनका जनन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार उसी पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा तो फर्स्ट है जब एक स्वच्छ चलिए ओके इसको रह दीजिए आप नेक्स्ट हम आते हैं निम्नलिखित में से किस जंतु में दुई रूपी केंद्रक पाया जाता है यस yes, किस जंतु में दुई रूपी केंद्रक पाया जाता है यस yes? आपको बताया न्यूक्लियर डायमोर्फिज किस में देखने को मिलता है हमें यस yes, वेरी गुड okay? पैरामीशियम कॉडेटम अपने देखा था कि पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे मैक्रो और माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा उपापचयी क्रियाओं को माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा जनन को ठीक है नेक्स्ट फोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है कौन सा अंग पाया जाता है यस yes. बताइए जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड दैट इज संकुचनशील हानी दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ठीक है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है वाटर रेगुलेशन फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है ना कि याद है आपको, celiates, या और एक था स्पोरोजुअ तो ये पूछ रहा है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम आते हैं स्पोरोजोआ में स्पोरोजोआ मतलब इनकी एक अवस्था ऐसी होती है जिनमें स्पोर्स बनाते हैं और उस वक्त ये संक्रामक होते है. संक्रामक अवस्था है ये इनकी ठीक है तो बेसिकली ये मेनली जो है ये पैरासिटिक ही होते हैं परजीवी ही होते हैं ठीक है mainly, उसके बाद हम आते हैं ये हो गया ठीक है नेक्स्ट पैरामिशियम में आनुवंशिकीय सूचना किस में होती है अब आपने देखा था, दो न्यूक्लियस है मैक्रो और माइक्रो किस वाले में आनुवंशिकी सूचना होगी जो जनन से रिलेटेड होगा ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा जनन से रिलेटेड आपका कौन सा है सूक्ष्म केंद्रक ये दीर्घ केंद्रक बड़ा वाला केंद्रक है उपापचयी क्रियाओं से रिलेटेड ठीक है जो सूक्ष्म केंद्रक है वो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस जो है बेसिकली ये हमारा जनन से रिलेटेड है यहाँ पे आनुवांशिक सूचना होती निद्रा रोग व काला आजार के रोग कारक जीव निम्न में से किस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के समूह से संबंधित हैं है। अब निद्रा रोग मैंने आपको बताया था कौन कॉज करता है ट्रिपेनोजोमा ठीक है और काराजर लीशमानिया तो इन दोनों में क्या पाया जाता है कौन सा गमनांग होता है उसके बेसिस पे आप रिमेंबर कर सकते हो कि कौन सी का ग्रुप का इनमें फ्लैजिला होता है तो ये फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ है ओके समझ में आया सबको तो आपका आंसर इसका ये होगा नेक्स्ट सभी स्पोरोजोआ आंतरिक डैश होते हैं जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था शिष्ट होती है स्पोरोजोआ का एक उदाहरण डैश है जो मलेरिया उत्पन्न करता है तो क्या आएगा इनमें से जल्दी बताइए yes. सोचिए। तो सभी स्पोरोजोआ आंतरिक क्या होते हैं परजीवी होते हैं, ठीक है और इनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अथवा अवस्था शिष्ट होती है स्पोरोजोआ का एक उदाहरण हमारा हो गया प्लाज्मोडियम ट्रिपेनोजोमा जो है वो स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल नहीं flagella, uh, का है ट्रिपेनोजोमा आपका फ्लैज फ्लैजलेटास का एग्जाम्पल है ठीक है सीलिएट से होते नहीं है फ्लैजलेट से होते नहीं है तो आपका एग्जाम्पल होगा सॉरी आंसर होगा परजीवी और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम ठीक है नेक्स्ट निम्न में से प्रोटोजोआ समूह व इसके उदाहरण का कौन सा युग्म बेमेल है ठीक है अमीबिया प्रोटोजोआ

ठीक है बी जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको अपन बोलेंगे, जो है इतना बड़ा सारा ये है ठीक है और डी जो है वो यहाँ पे अंदर भोजन जाता है यहां से साइटोस्टोम, ठीक है तो आंसर क्या होगा ए होना चाहिए पैलिकल बी होना चाहिए सीलिया सी होना चाहिए मैक्रोन्यूस और डी होना चाहिए साइटोस्टोम। ठीक okay? है तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा सी वॉट इट एवरी वन आंसर होगा आपका सी यस नेक्स्ट वन सेकेंड एक क्वेश्चन अपन ये देखा था जब एक स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ प्रोटोजुआ जिसके पास संकुचन संकुचनशील राजधानी है वो तो एक ग्लास जिसमें समुद्री जल है उसमें रखेंगे तो राजधानी में क्या होगा देखिए स्वच्छ जल वाला प्रोटोजुआ है फ्रेश वाटर प्रोटोज जब ये स्वच्छ जल में होगा ये प्रोटोजुआ है जो तो स्वच्छ जल में है स्वच्छ जल मतलब फ्रेश वाटर यानी यहाँ पे जो है पानी की मात्रा कहाँ ज्यादा है कहाँ ज्यादा होगी ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा इसका अंदर का साइटोप्लाज्म ठीक है ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड है यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है जब ये स्वच्छ जल है में है मैं ये तब बता रही हूँ ठीक है तो पानी की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होगी तो क्या होगा पानी अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा है ना इसीलिए इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डेवलप हो जाएंगे उससे क्या होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जब डेवलप हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें स्टोर हो जाएगा ठीक है और जो इनका जो कंसेंट्रेशन uh, है वो बना रहेगा ठीक है बह रही अगर अपन ने इसको समुद्र के पानी में अब रख दिया इसी प्रोटोजोआ को अगर अब आप समुद्र के पानी में रख दोगे अब ये ज्यादा कंसनट्रेटेड है, है ना यहाँ पे पानी ज्यादा है बेसिकली ऑलमोस्ट अपन जब समुद्र के पानी में रख देंगे अब इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी कि इसका जो पानी है जो एक्स्ट्रा पानी जो फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में जब हमने रखा था क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा थी ये अंदर की तरफ जा रहा था है ना तो इसके फूलने के चांसेस थे बर्स्ट होने के चांसेस थे इसलिए इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत थी इसको ठीक है ताकि एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे चले जाए ओके okay, पर यहाँ पे अपन ने क्या देखा इसको क्यों ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने इसको कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा हुआ है अब पानी अंदर जाएगा तो है नहीं है ना पानी अंदर नहीं जाएगा और जो रिक्तिका थी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसमें सारे लवण बाहर आ जाएंगे ताकि ये कंसनट्रेशन दोनों की मैच कर सके तो धीरे धीरे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये ख़त्म हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा यानी जो संकुचनशील रिक्तिका है वो धीरे धीरे आकार में घट जाएगी क्योंकि अब इसका कुछ ज़्यादा रोल बचेगा नहीं ज़्यादा रोल इसका होता है जब वो फ्रेश वाटर में होता है कि फ्रेश वाटर में चांसेस होते हैं कि पानी जो है वो अंदर की तरफ जाए ठीक है तब यहाँ पे रिक्तिका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर डेवलप हो जाती है अगर आप इसको एक ग्लास समुद्री वाटर में रखोगे समुद्री जल में रखोगे तो धीरे धीरे वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो आकार में घटेगी और डिस्टपियर हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली ये धीरे धीरे आकार में घटेगी अभी आपने एक ग्लास पानी में ही रखा है ना तो ये धीरे धीरे आकार में घटेगी आपका आंसर होगा नेक्स्ट okay. ये क्वेश्चन आपसे मैंने पिछले सेशन में पूछा था क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है क्या okay. कई लोगों ने सही आंसर किया था और इसका आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स राइको कैलिक्स क्योंकि अपन ने देखा था ये दो तर, दो टाइप का है एक है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर दैट इज अफ पंख परत ठीक है तो कैप्सूल जो होता है वो हार्ड टफ होता है और जो स्लाइम लेयर है वो क्या होती है वो लूज होती है चिपचिपी सी होती है और ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है और ये जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड्स प्लस पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है ठीक है तो ये जो स्लाइम लेयर है जो पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है ये कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है चिपकने हेल्प करती है इसलिए इसका आंसर होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स, और अब आज का आपका क्वेश्चन है जो कि बेसिकली आपका होमवर्क है डैश मानव की बड़ी आंत का एक परजीवी है तथा डैश बीमारी पैदा करता है ठीक है तो आपको बताना है कौन सा इनमें से परजीवी है वो मानव की आंत में पाया जाता है और वो कौन सी बीमारी पैदा करता है ठीक है ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए सोचिए मैंने आपको बताया है इसका एग्जाम्पल तो आप ज़रूर सोच के इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में विद दिस आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे बेटा आप लोग ज़रूर आंसर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट ओके बाय बाय टेक केयर